My dear friends, today God has come to promise something great. मेरे अनमोल मित्रों, आज परमेश्वर बहुत बड़ा प्रतिज्ञा आपके सामने लाए हैं. So always what God gives will be big. परमेश्वर जो भी हमें देते हैं बहुत बड़ा आशीष होता है. Let us also see it in the same way as we read Psalm 34:19. जैसे हम भजन संहिता 34:19 पढ़ते हैं, हमको ऐसा ही देखना चाहिए. The righteous person may have many troubles. धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आ तो पड़ती है. But the Lord delivers him from them all. परंतु यहोवा उसको उन सभी से मुक्त करता है. Yes, there be times when a righteous person has attacks from all sides. जी हाँ, ऐसा समय आता है जब एक धर्मी पुरुष के चारों तरफ जो है लोग हमला करते हैं. In different parts of his life at the same time. अपने जीवन के एक समय में हर एक ओर से उनके ऊपर हमला होता है. Are you going through the same? क्या आप उस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं? Rejoice, my friends. मेरे मित्रों, आप हर्षित हो जाएं. Because it's a sign of the blessing that is to come. ये जो है, जो आशीष आपके जीवन में आने वाला है, उसका चिन्ह है. These troubles might be terrible to behold and to endure in your life. ये संकट शायद बहुत भयानक हो सकता है, अपने जीवन में शायद ये बर्दाश्त के बाहर है. But let your heart see beyond these troubles. लेकिन आपका दिल इस संकट के ऊपर जाके इसको देखे. And start praising God. परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें. Just like how Job was able to muster that sound of praise. जिस तरह से अय्यूब जो है परमेश्वर की स्तुति करने में सामर्थ्य थे. He said, I know what is happening. उन्होंने कहा, मुझे पता है क्या हो रहा है. I'll give God praise. और परमेश्वर को उन्होंने स्तुति किया. The Lord knew what was about to come in Job's life, the double measure of God's blessing. परमेश्वर जानते थे आयुब के जीवन में क्या होने वाला था. परमेश्वर की दुगनी आशीष आने वाली थी. And that's why this was allowed. इसलिए इस बात का आदेश परमेश्वर दिए थे. Sometimes we go through such attacks in our personal life. कभी-कभी हमारे व्यक्तिगत जीवन में इस तरह का हमला का हम सामना करते हैं. At the same time in the Jesus calls ministry. वही समय यीशु बोलता है सेवकाई में भी. At the same time in the Koinonia University. उसी समय कारुनिया यूनिवर्सिटी में भी होता है. At the same time in one of our family member's life. उसी समय हमारे परिवार के एक सदस्य के जीवन में ऐसा होता है. Many different things putting us in trouble. कई तरह का बात हमें संकट में डालती है. In deep trouble. भयानक संकट. But at that moment. उस समय. God allows us to go through this to make us pray more. परमेश्वर उस बात का इज्जत देते हैं ताकि हम और प्रार्थना करें. To humble ourselves more. ताकि हम खुद को और दीन करें. To build our relationship and trust in the Lord more. ताकि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और भरोसा और ज्यादा कायम करें. To take away the fears in our heart away. ताकि हमारे दिल के भय को हम दूर भगाएं. God builds our character also in this process. इस जो है पद्धति में परमेश्वर हमारे जीवन में जो बढ़िया चरित्र को लाते हैं. And finally, we see what this path has in store for us. हम अंत में देखते हैं ये रास्ता हमारे लिए किस बात को लेकर आती है. The double portion of God's blessing. परमेश्वर की दुगना आशीष को लेकर आती है. And of course, the Lord delivers us out of all these troubles so easily. और बड़ा आसानी से सारा समस्या से परमेश्वर हमें आजाद करते हैं. So today just pray and praise God. आज आप प्रार्थना करें और परमेश्वर की स्तुति करें. Pray asking God to deliver you out of all these troubles. आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर सारे संकट से आपको आजाद करें. And praise him for the double portion of blessing which is ready to come into your life. और आपके जीवन में दुगनी आशीष जो आने के लिए तैयार है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति करें. Shall we believe and do it right now? आइए विश्वास करके अभी हम प्रार्थना करें. Lord, these troubles are so tough to handle. ऐ पिता, ये संकट का सामना करना बड़ा मुश्किल है. One side there is sickness. एक तरफ बीमारी है. One side there is debt. एक तरफ कर्ज है. One side there is, Lord, lack of blessing for so long. एक तरफ कई दिनों तक आशीष की कमियां हैं. One side the pressure of the deadlines closing in. एक तरफ जो है समय जो खत्म होने वाली है. One side our organization failing. एक तरफ हमारे संस्था जो विफल होते जा रही है. One side sinking in sin. एक तरफ हम गुनाह में डूब रहे हैं. Seeing our family members suffering. हमारे परिवार के लोग जो है तकलीफ उठा रहे हैं. There is so much suffering in our home, they your people are saying, Lord. लोग कह रहे हैं हमारे परिवार में इतना सारा संकट है. Listen to their prayers right now.
इसी वक्त उनके प्रार्थनाओं को सुने। As you are making them pray with faith, विश्वास के माध्यम से प्रार्थना करने के लिए उनको मदद कर रहे हैं। And at the same time, listen to their voices of praises. उसी समय उनके स्तुति की आवाज को सुने। How much your children trust in you? आपके बच्चे आपके ऊपर कितना भरोसा करते हैं? And see beyond these troubles. और ये परेशानियों के ऊपर देखते हैं। Lord, they are seeing you as a redeemer in their life. आपने जीवन में आपको उद्धारक के रूप में देख रहे हैं। To do justice for them, Lord. ताकि आप उनके लिए न्याय करें। So Lord, right now, इसी वक्त प्रभु, deliver them from their troubles. उनके संकट से उनको आप छुड़ाएं। Let your healing come upon them. आपकी चंगाई उनके ऊपर उतारें। Your saving power fill them. आपके उद्धार के सामर्थ्य उनको भर डालें। Your Holy Spirit fill them. कि आपके पवित्र आत्मा उनको भर डालें। And prepare them for the double portion of blessing which you are keeping on them. उनके लिए जो दुगनी आशीष आप रखें, उनके लिए आप उनको तैयार करें। Thank you, Lord, for this mighty blessing. धन्यवाद प्रभु इस आश्चर्य आशीष के लिए। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. Amen.